दोस्तों बजाज ने पल्सर 220F की 2019 वेरिएंट में अब ABS दे दिया है। आज हम इसकी एक डिटेल रिव्यू करेंगे, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन, माइलेज, प्राइस, कौन कौन सी कलर पे ये अवेलेबल है सब आपको बताएंगे और आखिर में इस बाइक की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में मेरे ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूँ विश्वजीत और आप देख रहे हो मोटोमैन, तो चलिए शुरू करते हैं। बजाज ने पल्सर 220F की जो 2019 वेरिएंट कुछ ही महीना पहले लॉन्च किया था, अब उसमें ABS की अपडेट दे दिया है। इसमें अब सिंगल चैनल ABS है, यानी कि इसकी ABS सिर्फ फ्रंट व्हील पे ही ऑपरेशनल है। हालांकि इसकी रियर व्हील पे RLP यानी कि रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी दिया गया है, जो सडन ब्रेकिंग के वक्त रियर व्हील को जमीन से उठने से रोकती है। इसके सामने 260mm और पीछे 230mm की डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। ABS की मतलब है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इससे होता क्या है दोस्तों, सडन हार्ड ब्रेकिंग की वजह से बाइक की व्हील्स आसानी से लॉक नहीं होती है। इससे ब्रेकिंग डिस्टेंस तो कम होता ही है और उसके साथ बाइक स्कीड नहीं होती है। लुक और अपीयरेंस की बात करें तो 2019 वेरिएंट में नया स्टिकर्स और बॉडी ग्राफिक्स दिया गया है। इसके साइड पैनल भी अब अलग है। इसमें कार्बन फाइबर टाइप फिनिशिंग दिया गया है जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। इंजन के नीचे आपको शार्प लुकिंग एक एरोडायनामिक अंडरकोल मिल जाएगा। इन सभी बदलाव के साथ पल्सर 220F अब पहले से भी ज्यादा स्पोर्टी और अट्रैक्टिव लग रही है। मुझे तो 220 की यह नया अवतार बहुत ही पसंद आया है। दोस्तों आपको यह कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अब इंजन पे आते हैं। इसमें 220cc की 4-स्ट्रोक 2-वाल्व ऑयल कूल ट्विन स्पार्क BS4 कॉम्प्लायंट बजाज पेटेंटेड DTSI इंजन लगा हुआ है, जिसकी मैक्सिमम पावर है 20.9 CPS एट 8500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क 18.55 न्यूटन मीटर एट 7000 RPM। इस इंजन की पंचर थ्रस्ट, लो, मिड एंड टॉप रेंज परफॉर्मेंस इज जस्ट फैंटास्टिक। दोस्तों अगर आपको 2019 वेरिएंट की ऑन रोड परफॉर्मेंस की डिटेल रिव्यू देखना है तो मैंने कुछ ही दिनों पहले 220F की 2019 वेरिएंट की फर्स्ट राइड रिव्यू किया था, उसका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप जाकर वो जरूर देखो। व्हील्स एंड टायर्स को देखें तो इसमें 17 इंच का 6-स्पोक ब्लैक अलॉय व्हील लगा हुआ है। इसके सामने 90x90 और पीछे 120x80 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर दिया गया है। इस टायर की रोड ग्रिप अच्छा है, पर मेरे हिसाब से अगर इसकी रियर टायर थोड़ा और मोटा होता तो अच्छा होता। पल्सर 220F की सस्पेंशन की परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इसके सामने टेलीस्कोपिक फोर्क विथ एंटी फ्रिक्शन बूश और पीछे 5-स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है। इसमें एक वेल कुशन स्प्लिटेड सीट दिया गया है। इसकी सीट हाइट है 795mm। तो जाहिर सी बात है इसमें सभी हाइटों की राइडर्स कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। इसमें प्रीमियम क्वालिटी की बैकलिट स्विच गियर्स लगा हुआ है, जिसमें आपको बाकी सब स्विचों के साथ फास्ट लाइट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट और इंजन की स्विच मिल जाएगा। इसके मीटर कंसोल को देखें तो इसमें एक डीजी एनालॉग कॉम्बो मीटर कंसोल दिया गया है। इस मीटर कंसोल पे पहले की तरह स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर के साथ अब ABS वार्निंग लैंप भी दिया गया है। इसमें 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, जो इंडियन रोड कंडीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको नॉर्मल बम्पर्स पार करते समय एक्स्ट्रा कॉशस इसमें नहीं होना पड़ेगा। इसकी कार वेट है 155 kg। इसमें 15 लीटर की ह्यूज फ्यूल टैंक दिया गया है और माइलेज की बात करें तो इससे आपको 35 km तक माइलेज मिल जाएगा। दोस्तों आप में से जो भी 220 यूज कर रहे हो, आपको एग्जैक्ट कितना माइलेज आती है वो नीचे कॉमेंट करके बताओ। 220F अभी दो कलरों में अवेलेबल है, ब्लैक एंड ब्लू और ब्लैक एंड रेड। मुझे इनमें से ब्लैक एंड रेड कलर वेरिएंट ज्यादा पसंद है। पल्सर 220F 2019 ABS वेरिएंट की कोलकाता में ऑन रोड प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 1,34,000 रुपीस। चलिए अब इस बाइक की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करते हैं। इस बाइक की लुक एंड अपीयरेंस, ऑन रोड परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग सब बहुत ही अच्छा है। इस बाइक पे सिर्फ दो कॉन्स मुझे नजर आया है। एक तो इसका पीछे का टायर थोड़ा पतला है, अगर ये थोड़ा मोटा होता तो अच्छा होता। दूसरा, इसमें सिंगल चैनल ABS है, अगर डुअल चैनल ABS होता तो और अच्छा होता।
दोस्तों आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक मारो, शेयर करो और ऐसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए मोटोमैट को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइड सेफ।